नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया माइक का। जी दोस्तों, कमाल का ये माइक है और मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, ये माइक लेने के लिए मुझे लगभग काफ़ी समय लग गया और मैं ये मंगाया हूँ लगभग 900 रुपये का अमेज़ॉन से, और इसकी कीमत जो है यहाँ पे बता रहा 1650 रुपये। और इसका अनबॉक्सिंग बहुत बड़े यूट्यूबर जो है उन लोगों ने किया है, जैसे टेक्निकल गुरु जी हों या फिर माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर हों, टेक्निकल योगी सर हों या फिर मनोज देव, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं सब ने इस बोया माइक का अनबॉक्सिंग किया है और बताया है कि ये कैसा माइक है। और इसी उत्सुकता के साथ मैंने इस माइक को मंगाया और आज अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग देखिए। मेरा नाम कमाल फारूक है, टेक्निकल फारूक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरीके का अनबॉक्सिंग, टेक न्यूज़ और रिव्यू मिलती रहे हमेशा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है बोया का माइक, जिसका मॉडल नंबर है BYM1। जी हाँ दोस्तों, इसके यहाँ पे फीचर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं, DSLR में यूज़ कर सकते हैं, कैमकॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आप करने के लिए यहाँ पे PC में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी कीमत है वो बता रहा 1650 रुपये, जो कि मैं यहाँ पे लगभग 900 रुपये में अमेज़ोन से परचेज़ किया हूँ। दोस्तों, इसके अंदर की बात करें, इस पर क्या क्या मिलता है तो इसके लिए मुझे ओपन करना होगा। और सिंपल दोस्तों, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन करके आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या मुझे यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक क्लिप मिल जाता है, LR44 बैटरी मिल जाती है, और यहाँ पे विंड स्क्रीन भी मिल जाता है, 1.4 का यहाँ पे आपको एडाप्टर भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने अपना बोया का जो माइक है वो मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मुझे यहाँ पे क्लिप मिल गया है जो कि आपके सामने है, और यहाँ पे आपको एक अडाप्टर मिल गया है, और यहाँ पे एक बैटरी मिल गई है, और यहाँ पे एक जो है फोम मिल गया है जो कि हम अपने माइक में इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं माइक में। जी हाँ दोस्तों, बैटरी की बात करें तो बैटरी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बैटरी लगाना है तो बैटरी लगाने के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे ओपन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से बैटरी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना बैटरी जो है वो लगा लेता हूँ। बैटरी लगाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस माइनस देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्लस माइनस देख करके आप इसे अपना जो बैटरी है वो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस देख करके और यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी लगाने के बाद से सिंपल मुझे यहाँ पे इसे बंद कर देना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बोया के माइक का जो लोगो है, यहाँ पे बोया का लोगो नज़र आ रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रहा है, अगर आप कैनन वगैरह का कैमरा यूज़ करते हैं तो ऊपर में कर दीजिए, और स्मार्टफोन है तो आप यहाँ पे नीचे में कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे लगाना है सिंपल अपना क्लिप। तो क्लिप लगाने के लिए भी आप यहाँ पे आसानी से अपना क्लिप लगा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप यहाँ पे क्लिप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना क्लिप लगा दिया। उसके बाद से जो यहाँ पे फोम है, फोम भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि सारा चीज़ ओके हो जाए। तो फोम के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल दोस्तों यहाँ पे आपको फोम यहाँ पे लगा देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे और हल्का सा पुश करेंगे तो ये फोम जो है आपका यहाँ पे लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका बोया माइक जो है वो तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब जो इसके वायर की बात करें तो वायर काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे लगभग 20 फीट का वायर आपको मिल जाता है। अगर आपका कैमरा जो है काफ़ी दूर है तो आप अपने कैमरे से अपने माइक को 20 फीट के डिस्टेंस तक रख सकते हैं और आसानी से यहाँ पे माइक लगा करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। मोबाइल और कैमराज वगैरह के लिए ये जो है ये एनएफ है, 3.5 mm का क्लिप है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम जो आवाज़ रिकॉर्ड कराएंगे आपको, अभी तक जो आपको आवाज़ मिल रही है वो मिल रही है मेरे स्मार्टफोन की, डायरेक्ट जो है मैं बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो आपको आवाज़ मिलेगी वो मिलेगी इस माइक की। तो देखते हैं कि कितना नॉइज़ जो वो कैंसिलेशन करता है, यानी कि कैंसिल करता है, और कितना हमें प्योरिटी देता है। तो आगे देखिए मेरी आवाज़। और सिंपल दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोया का माइक लगा लिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 फीट वायर है, ये लंबा जो है 20 फीट का है, और यहाँ पे बीच में जो है एक हमें मिल जाता है बैटरी इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे ऑन ऑफ यानी कि कैमरे के लिए भी मिल जाता है। अगर आप कैमरा से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इस बटन को ऊपर करना होगा, और यहाँ पे स्मार्टफोन के लिए रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको नीचे करना होगा। साथ साथ यहाँ पे जो क्लिप मिल रही है ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बेल्ट में इस क्लिप को लगाएं, इस पोर्ट को लगा दें, तो काफ़ी कमाल का फीलिंग आएगा, लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है और आप वायरलेस
वायरलेस से अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि वायरलेस ब्लूटूथ से अपने आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कमाल का फीलिंग है। और नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ तो ये आप बताएंगे कि आपको पहले वाले रिकॉर्डिंग में और अभी के रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस है। मुझे तो काफ़ी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें नॉइज़ की जहाँ तक बात करें तो लगभग 75% नॉइज़ जो है वो कैंसिल हो जा रही है, यानी कि ख़त्म हो जा रहा, और आपकी एग्जैक्ट वॉइस जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ रही है। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए और जाकर के परचेज कीजिए बोया माइक लीजिए, जो कि कमाल का है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं काफ़ी पसंद है वीडियो, वीडियो को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।